अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक करना बहुत ही समस्या का काम होता है। आपको आधार सेंटर जाना होता है और वहां पर बहुत ही खचाखच भीड़ होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आपको कहीं नहीं जाना, बल्कि आधार सेंटर वाला आपके घर आके और आपके आधार कार्ड में आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक कर देगा। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को देखकर आप अपना घर बैठे हुए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ये भारतीय डाक का ऑफिशियल पोर्टल है। यहीं से आप सर्विस आधार की ले सकते हैं अपने डोर स्टेप। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर देनी है। यहाँ पर आपको एक नाम अपना लिखना है, एड्रेस अपना लिखना है, क्योंकि एड्रेस इसलिए आपको देना है क्योंकि आपके एड्रेस पर आपके पते पर आधार अपडेट करने के लिए पोस्ट ऑफिस का एक आदमी आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस देना है विथ मोबाइल नंबर। यहाँ पर एक पिन कोड देना है, एक अपना ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे कि आपको आधार की सर्विस चाहिए तो यहाँ IPPB आधार सर्विस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे से अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको बच्चे का आधार एनरोलमेंट कराना है या अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिंक कराना है या फिर अपडेट कराना है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो ये दो में से आप कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसे सेलेक्ट किए हम, इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का ये आ जाएगा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर। एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अपना रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करने के लिए यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर टू ट्रैक योर स्टेटस। तो इसे एक बार आप कॉपी करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है आपको, इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना वही मोबाइल नंबर देंगे या फिर रिक्वेस्ट नंबर देंगे और फेच पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑफिस बताएगा कि किस भी ऑफिस से आपका आधार अपडेट करने वाला आने वाला है, और स्टेटस यहाँ पर अभी पेंडिंग दिख रहा है। कमेंट भी यहाँ पर आपके घर पे आके जब ये सर्विस अपडेट कर दी जाती है तो यहाँ कमेंट स्टेटस हो जाता है, यहाँ पर स्टेटस सक्सेसफुल हो जाता है। इस प्रकार आप सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बच्चे का एनरोलमेंट कराने के लिए ऑनलाइन।